अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फहीम बख्श, तुसी देख रहे हो यूट्यूब चैनल मेरे अपने नाम से। नींद सारे दो ठीक ठाक हो, अल्लाह पाक सारे ने अपने हिफ्ज़ मान ही रखी, और जो को बीमार है अल्लाह पाक सारे ने शफा देवे। करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट, और जो जो चैनल पर नवे चैनल में सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि हर एक आने वाली वीडियो तक बर वक्त पहुँच सके। और आज जो मौसम है ना, वो बहुत बेहतरीन मौसम है, बारिश वाला मौसम इंजॉय वाला है। और आज की जो वीडियो है, थोड़े सवाल हैं तो असं तुम जवाब देने, जितने भी दोस्तों के बहनों बुजावों के आए न उसका जवाब देना, कोशिश करें कि असं तुम उसका जवाब दे सकी। चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल है जी ज़ोफ़िया व्लॉग, ज़ोफ़िया व्लॉग कह रहे हैं जी, मेरा सवाल यह है कि आप उर्दू में क्यों नहीं बोलते व्लॉग शूट करते हुए? उसकी वजह है कि मैं इस करके उर्दू के अंदर व्लॉग नहीं बनाता, क्योंकि जिस टाइम मैं पहले अपनी वीडियो बनाया, जिस टाइम पहले तो मैं स्टार्ट की है ना पहले दिन तो मैं अपनी ओरिजिनल जबान जी मेरी मादरी जबान है उसके अंदर मैं वीडियो बनाने लगा। मैं उर्दू का या कोई किसी किस्म का नहीं बनाया, क्योंकि अक्सर जो दोस्त हैं ना वो पंजाबी हैं, ठीक है ना, और कुछ दोस्त हैं उर्दू की समझ नहीं आती, इस वास्ते मैं अपनी मादरी जबान के अंदर बनाना। और इस कारण बनाना अपनी मादरी जबान के अंदर, ये नहीं है कि मैं उर्दू नहीं आती, उर्दू के अंदर भी मैं गल कर सकता, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश ये करता कि जेड़ा मेरे दोस्त हैं, बहन भाई हैं, जेड़े मेरी तरह पिंड के अंदर हैं, एक गांव के अंदर, विलेज के अंदर, और मेरी यही कोशिश है कि वो मैंने वेख के अपना टैलेंट बाहर कटें, और जिस तरह मैं आ गया अपना हर हाल के अंदर आवेना, जिस तरीके के अंदर वधावा, जिस तरीके के नाल आके वो भी अपना व्लॉग बनाएं, वीडियो बनाएं, और अपना टैलेंट सामने लैके आवेन, ताकि कोई बंदा ये ना सोचे कि मैंने उर्दू नहीं आनी तो मैं अपना व्लॉग ना बना सकता, या मैं अपनी वीडियो ना बना सकता, या मैं बंदन इंटरटेनमेंट ना दे सकते, या कोई किस किस्म का मसला ना बने। मैं इस करके अपनी जबान के अंदर ओरिजिनल मादरी जबान के अंदर बनाना, ठीक है ना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट की कोशिश है कि इसी के अंदर ही बनाइए। बाकी जिन्होंने ज़्यादा उर्दू अगर ज़्यादा व्यूअर आखिर के उर्दू के अंदर बनाना था, उर्दू का भी कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह उर्दू के अंदर भी व्लॉग बना ले सी, लेकिन फिलहाल अपनी मादरी जबान जी ओरिजिनल वो बेहतर आँगी, क्योंकि उर्दू के अंदर मैं गल कर रहा हूँ तो यह भी हो सकता है कि मैं उसके अंदर कोई गलत कर पाँ, समझ ना आए, इस करके मैं अपनी मादरी जबान के अंदर बनाना। और दूसरा इस करके बनाना कि ताकि मेरा बहन भाई जरा भी कोई पिंड के अंदर उठ के बनाना चाहे तो अपनी ओरिजिनल जबान के अंदर बनाए, और उसको टेंशन ना हो कि मैं उर्दू नहीं आती, मैं अपना व्लॉग ना बना सकता, या कोई किसी किस्म का ना कर सकता, इसलिए बनाना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू की गल कर सकता जी। नेक्स्ट जेड़े जी एसएम व्लॉग इन, एसएम व्लॉग कह रहे हैं जी, आपका एक्सपीरियंस सुन के अच्छा लगा, मुझे भी शायद कामयाबी मिल जाए। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात कामयाब करने वाली है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, तुम मेहनत अपनी जारी रखो, इंशाल्लाह एक दिन हर एक जेड़ा भी बंदा मेहनत करता है ना उसका फल लाजमी मिलता है। तो मेहनत जी है ना वो नहीं छोड़नी चाहिए, स्ट्रगल करता रहना चाहिए है, थोड़ी थोड़ी करके जिस तरीके दे नाल तुसी कर रहे हो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो सो। चैनल का नाम है जी हिस्ट्री व्लॉग, हिस्ट्री व्लॉग कह रहे हैं जी, फहीम भाई कभी टेंट करवाई है, मतलब गंज करवाया है तो टेंट पर कवे का काटा है, कभी कवे ने काटा है कभी, तो हिस्ट्री व्लॉग बचपन के अंदर टेंट जी कराई है, बहुत ज़्यादा कराई है, ठीक है ना, इस करके अलहमदुल्ला मेरे जो वाल है ना इस तू भी पता लग रहा है कि कितनी दफ़ा टेंट हुई उसी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दफ़ा कराई है। उसकी वजह यह है कि वाल जड़े मेरे वो भी ब्लैक हैं अलहमदुल्ला, और बाकी ज़्यादा जड़े ना घाटे भी हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है ना, पतले नहीं हैं, और अलहमदुल्ला टेंट बहुत दफ़ा कराई है, लेकिन कवे वाला जो सिस्टम है ना वो इतने इतने छोटे ना से फीडर मुँह कोई ना, जिस टाइम कराइए अपने संभाले के अंदर कराइए तो टेंट बहुत दफ़ा कराइए। अगला सवाल है जी जैद इलेक्ट्रिकल मंटोर, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, मैं चाहता हूँ यूट्यूब पर छा जाए और मंगता ग्रुप से ज़्यादा गिफ्ट मिले, मशवरा दो क्या करूँ। वालेकुम अस्सलाम जैद इलेक्ट्रिकल मंटोर जनाब, इंशाल्लाह तुहाडे बहन भरावां दी सपोर्ट चाहिए तो इंशाल्लाह एक दिन सारे कामयाब हो सी इंशाल्लाह, और मशवरा कोई नहीं है, मंगता ग्रुप तुहाडा अपना है, तुसी जिवें मर्जी चलो इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक संसारन कामयाब करे। देख रहे हैं फहीम भाई मेरे दो सवाल हैं, अब आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं और शादी का क्या प्रोग्राम है, शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे या घर वालों की मर्ज़ी से करेंगे? तो जनाब पहले सवाल का जवाब ये कि शादी इंशाल्लाह घर वाले की मर्ज़ी के नाल करनी है, ठीक है ना, जितने घर वाले कर दी आमीन है,
ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने भी तो कोई ख्वाहिश है ना, कोई उन्होंने भी तो है ना यार, तो इस करके जिते माँ प्यो कर दी थी उत्थे आमीन है, बाकी अपनी कोई चॉइस वगैरह नहीं है, कोई किसी किस्म की नहीं है, और इंशाल्लाह माँ प्यो की मर्जी के नाल ही करेंगे। सपोर्ट कर बनाया ता कि हर एक बंदा जिहड़ा ना सपोर्ट कर सके, और एक असी अपना अपना ट्रेंड जिहड़ा है ना वो लैके आया, क्योंकि पहले वाईटी के दौरान सानू वाईटी के उत्ते सानू पहले ये मंगता ग्रुप या कोई ग्रुप नज़र नहीं आया, इस करके असी अपना ग्रुप का एक आप ना जिहड़ा है ना और रखे मंगता ग्रुप, ठीक है, और कोशिश ये भी कि इस जो सारे साडे भैन भरावन जिन्होंने जरूरत होवे तो असी उन्हां दी हेल्प कर सकी, मदद कर सकी जितनी साडे कोल हो सके। और तीसरा सवाल है, नए यूट्यूबर को कामयाब होने के लिए आपको क्या मशवरा देंगे? तो जनाब न्यू जिहड़ा भी यूट्यूबर है, मैं भी न्यू हाँ, तुसी भी न्यू हो, तकरीबन सारे ही न्यू हाँ, कोशिश यही है कि असी सारे रल मिल के अपनी मेहनत जिहड़ी है वो जारी रखिए, और अपना जिहड़ा कॉन्टैक्ट ते उस उत्ते असी अपना फोकस करिए, और अपना बाकायदगी दे नाल अपना काम जिहड़ा है वो करते रहिए, तो इंशाल्लाह एक दिन असी भी अच्छे यूट्यूबर और बड़े यूट्यूबर बन सीए इंशाल्लाह। और यही मशवरा है कि मेहनत जिहड़ी है अपनी वो जारी रख जी। एक नसीर नाम का बंदा है, नसीर नाम का बंदा आख रहा है कि फहीम भाई तुसी कपड़े ज़्यादा क्यों पहनो, क्योंकि मलेशिया के अंदर तो पैंट शैंट जी वो ज़्यादा पाई पैंती है, तो ये जनाब मेरा शौक है, मैं अपना जिहड़ा तां अपना कौमी लिबास जिहड़ा है उसनों ज़्यादा फोकस देना, ठीक है ना, और इस करके मैं कपड़े जिहड़े वो पहना, बाकी इतने वाकई भी पैंट शर्ट ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना, हर एक बंदा जिहड़ा तुहानू नज़र आ रहा तकरीबन पैंट शर्ट भी असी, लेकिन मेरा अपना एक शौक है कि मैं अपनी जिहड़ा ना अपने कौमी लिबास के अंदर रहा, एक मेरा शौक है और बस, और बाकी को खास गल नहीं है, ये मेरा शौक है कि मैं अपने कपड़े के अंदर ही रहा, अपने लिबास के अंदर रहा, अपना अपने निज़ाम के अंदर रहा, जिस तरह मैं पाकिस्तान हम वही तरीका रखे हुआ। फैमिली से सवाल है जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप कब सोते हैं? मैंने तो जब भी देखा आप जाग रहे होते हैं, आपको नींद नहीं आती, कोई परेशानी है तो ज़रूर बताएं। जफर एंड फैमिली, नहीं परेशानी कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, कोई किसी किस्म की टेंशन या कोई परेशानी नहीं है, ज़िंदगी के अंदर छोटी मोटी परेशानियाँ आदि रहा ने, तो बंदे ने घबराना नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लैनी चाहिए, इन्होंने नाल जज्बे के नाल अपने जोश के नाल लड़ना चाहिए ताकि असी कामयाब हो सकीए, और वो परेशानियां साइड ते रख के जिंदगी अगे चलाना चाहिए, परेशानियां जिंदगी के अंदर बहुत हैं, बहुत दुख हैं, बहुत दर्द हैं, और मुस्कुराहट के पीछे भी बहुत कुछ दर्द है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस किस्म का नहीं है कि जिहड़ा जिस वजह तो मैं नींद ना आवे, नींद वैसे नहीं आती क्योंकि मैं अपना जिहड़ा शॉप है ना वो थोड़ा लेट बंद करे ना, और सुबह एक होर लड़का है वो आके ओपन कर देना, तो इस वास्ते मैं ज़्यादा जाग रहा ना, क्योंकि जिस टाइम तक मैं नींद नहीं आती तकरीबन रात 3-4 बजे तक मैं परमानेंटली ऑनलाइन होना और जाग रहा होना, और बाकी कोई किसी किस्म की टेंशन या परेशानी नहीं है जिस वजह तो मैं नींद ना आती हो, वैसे खुद ब खुद जाग रहा होना कोई टेंशन तो इलावा, क्योंकि साडा काम इस तरीके का है कि मैं अपना शॉप जिहड़ा ना लेट ऑफ करता बंद करता। नींद अज का क्यों नहीं तो पसंद आए उसी अज के सवाल और जवाब, और इंशाल्लाह मिल सी एक नवे ब्लॉग के नाल, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के बान। आज इस जगह पर मैं आया हम सामान लैन थोड़ा जहाँ इतने पोस्ट लाजू कराना या पिछ पोस्ट लाजू वाले ने दफ्तर या सारी वीडियो इतने कंप्लीट की है, क्योंकि बाहर जी है ना वो बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई, कुछ वीडियो के अंदर तो आवाज़ भी आई हो सी कि बारिश कितनी है, तो ओके अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिल सी।